समुद्री रास्ते से ही दुनिया सबसे पहले आपस में जुड़ी और सबसे पहले व्यापार भी समुद्र के रास्ते ही शुरू हुआ। मैरीटाइम सिल्क रोड या मैरीटाइम सिल्क रूट विश्व का सबसे पुराना सी रूट है। ये रूट प्राचीन समय में दक्षिण पूर्व एशिया, चीन, भारतीय उपमहाद्वीप, अरब प्रायद्वीप, सोमालिया, मिस्र और यूरोप को जोड़ता था। लेकिन क्या आपने भी कभी सोचा है कि क्यों और कैसे उस समय के लोगों ने इन समुद्री रास्तों को खोजा? आज की वीडियो में हम आपको बताएंगे मानव सभ्यता की समुद्री यात्रा की शुरुआत के बारे में, कैसे हुआ समुद्री रास्तों का विकास, जानेंगे पहली समुद्री यात्रा करने वाले इंसान के बारे में। आज हम मर्चेंट नेवी, सी ट्रांसपोर्ट और क्रूज जैसे साधनों के जरिए विशाल समुद्र की यात्रा कुछ घंटों में पूरी कर लेते हैं, लेकिन समुद्री यात्रा काफी पहले से होती आ रही है। दुनिया की सबसे पुरानी नौका पेसे डोंगी 8040 से 7510 ईसा पूर्व बनाई गई थी। आइए देखें कैसे हुई समुद्री सफर की शुरुआत। बात है आइस एज की, जब लोगों ने नदियों और समुद्रों में जाकर मछलियों और अन्य समुद्री जीवों का शिकार करना शुरू किया, लेकिन अभी भी वो समुद्र की दुनिया से अनजान थे। माना जाता है कि प्री हिस्टोरिक नावे डगआउट डोंगी विभिन्न पाषाण युग की आबादी द्वारा विकसित की गई थी, जो खोखले पेड़ और सूखे भूस की बनी होती थी। पहली समुद्र में इस्तेमाल की जाने वाली नावों का आविष्कार ऑस्ट्रोनेशियन लोगों द्वारा किया गया था, जिसमें मल्टी हल्स, आउटरिगर्स, क्रैब क्लॉ सेल्स और टांजा सेल्स जैसी तकनीकों का उपयोग किया गया था। इसने ऑस्ट्रोनेशियनों के प्रसार को भारतीय और प्रशांत महासागर के द्वीपों में सक्षम किया। उन्होंने लगभग 1000 से 600 ईसा पूर्व तक दक्षिण एशिया और अरब सागर में समुद्री व्यापार मार्गों की नींव रखी, जो बाद में मैरीटाइम सिल्क रूट बना। इन रूटों का इस्तेमाल मसाले, अनाज, हथियार और कीमती गहनों का व्यापार करने में इस्तेमाल किया जाता था। इतना ही नहीं, पूर्व में हिंदू धर्म और बौद्ध धर्म के प्रारंभिक प्रसार में ये मार्ग काफी सहायक रहा। वैसे तो विश्व में पहली समुद्री यात्रा करने का श्रेय ऑस्ट्रोनेशियन लोगों को ही जाता है, लेकिन पुर्तगाली नाविक फर्डिनेंड मैगलन को पूरी दुनिया का चक्कर लगाने वाला सबसे पहला व्यक्ति कहा जाता है। 16वीं शताब्दी की शुरुआत में उन्हें स्पेन के राजा कार्लोस वी द्वारा 5 जहाजों के बेड़े का कमांडर नियुक्त किया गया था। इसका उद्देश्य स्पाइस आइलैंड समूह के लिए अमेरिका के दक्षिणी सिरे के चारों ओर एक नया मार्ग स्थापित करना था। तो देखा आपने कैसे लोगों ने समय के साथ नए समुद्री मार्गों की खोज की और कैसे इसके जरिए दुनिया के नए रास्ते खुल गए। ऐसी ही और वीडियोस के लिए हमें फॉलो करते रहें। गुड बाय।